जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मेरे पास है दो डिवाइस, एक है सैमसंग M21 एंड दूसरा है रेडमी नोट 9। तो नियरली दोनों ही फ़ोन्स का जो प्राइस है ये सेम है, जो सैमसंग M21 का जो बेस वेरिएंट यानी 464 वाला आता है ये 12,499 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन जो रेडमी नोट 9 है ये मिलता है आपको 12,000 का। तो बस 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं इन दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट कंपेरिजन करने वाला हूँ, तो देखेंगे कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म करता है। तो इसकी मैं ऑलरेडी स्पीड टेस्ट वीडियो बना चुका हूँ, सैमसंग M21 वर्सेस रेडमी नोट 9, लेकिन ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ स्पीड कंपैरिजन की, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स में मेजर अपडेट्स आ चुके हैं। आप लोगों को पता ही होगा सैमसंग M21 में रिसेंटली UI 2.5 का अपडेट आया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में UI वर्जन 2.5 रन कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। एंड वैसे ही रेडमी नोट 9 में भी रिसेंटली अपडेट आया था, इसमें आपको MIUI 12 का एक नया वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि 12.0.5। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ अबाउट फ़ोन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं MIUI का जो वर्ज़न है ये 12.0.5 रन कर रहा है रेडमी नोट 9 में, लेकिन मेरे पास जो सैमसंग का वेरिएंट है ये 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला है। तो आप लोग को प्रोसेसर वगैरह के बारे में तो पता ही होगा, सैमसंग M21 में आपको एक्जिनोस 9611 मिलता है, वहीं पर रेडमी नोट 9 में आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले टेस्ट करने वाले हैं वो होने वाला रीबूट टेस्ट, तो देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ दोनों फ़ोन्स को सेम टाइम पे प्रेस करेंगे, रीस्टार्ट, इसमें भी रीस्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रेडमी नोट 9 था इसने रिबूट टेस्ट पहले कंप्लीट कर लिया है कंपेयर टू सैमसंग M21। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, एंड दोनों फ़ोन्स के आपको बैकग्राउंड में दिखाऊं रिसेंट एप्स, दोनों के क्लोज ऑल कर देता हूँ, क्लोज ऑल क्लोज ऑल। दोनों फ़ोन्स के बैकग्राउंड में कुछ रन नहीं कर रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऐप है प्ले स्टोर सेम टाइम पे दोनों में, तो Redmi Note 9 में पहले ओपन हुआ, एक एप्लीकेशन ओपन करके छोड़ देते हैं दोनों में बैकग्राउंड में दोनों के। क्रोम सेम टाइम पे लॉन्च हुआ दोनों में, न्यू टैब GSM Arena सर्च करते हैं सेम टाइम पे, तो Redmi Note 9 में पहले ओपन हो रहे हैं पेजेस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हुए हैं दोनों को सेम टाइम पे करेंगे मोबाइल वर्जन में, देख सकते हैं मोबाइल वर्जन। तो Redmi Note 9 में पहले जो पेज है चेंज हो चुका है मोबाइल वर्जन में, बैकग्राउंड में कर देते हैं N22 बेंचमार्क, तो दोनों में सेम टाइम पे ओपन हुआ। कैलकुलेटर सेम टाइम पे ओपन हुआ 6 बैकग्राउंड में, यूट्यूब लॉन्च तो दोनों सेम टाइम पे हुए थे लेकिन पहले जो कंटेंट है ये हमारे Redmi Note 9 में लोड हुए हैं, तो यहाँ पे एक एक वीडियो चला के छोड़ देते हैं बैकग्राउंड में। स्वागत है आप सबका हमारे। नेक्स्ट ऐप इज PUBG मोबाइल सेम टाइम पे, तो यहाँ पे Redmi Note 9 में पहले ओपन हो चुका है PUBG मोबाइल, एंड सैमसंग M21 में अब जाके ओपन हुआ है बैकग्राउंड में दोनों को। नेक्स्ट ऐप इज सबवे सफर सेम टाइम पे, सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ है एंड उसके जस्ट थोड़ी देर बाद Redmi Note 9 में ऐप ओपन हुआ है, तो दोनों को प्ले पे डाल के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऐप इज जीमेल सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ Redmi Note 9 में। कैलेंडर सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ Redmi Note 9 में। फ्लिपकार्ट सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ Redmi Note 9 में। एक एक प्रोडक्ट ओपन करके छोड़ देते हैं। Amazon ये भी सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ Redmi Note 9 में बैकग्राउंड में। Google Maps दोनों में नियरली सेम टाइम पे मैप लोड हुआ है,
सेटिंग्स, सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, फाइल मैनेजर, सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ रेडमी नोट 9 में, नेक्स्ट ऐप इज़ फेसबुक, ये भी सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ रेडमी नोट 9 में, एक एक दोनों में ओपन कर छोड़ देते हैं पेज बैकग्राउंड में। नेक्स्ट इन सभी ऐप्स को ओपन करके देखने वाले हैं डायलर वगैरह जो बेसिक ऐप्स होते हैं। तो सबसे पहले डायलर दोनों में सेम टाइम पे ओपन हुआ, देन मैसेजेस सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ रेडमी नोट 9 में, कैमरा ऐप सेम टाइम पे, तो सैमसंग M21 में पहले ओपन हुआ, देन हुआ रेडमी नोट 9 में। तो दोनों को एक बार स्विच करते हैं फ्रंट में दोबारा, तो दोनों ने सेम टाइम पे स्विच करा है, तो बैकग्राउंड में डाल देते हैं। अब चेक करते हैं रैम मैनेजमेंट किसकी आपको बढ़िया मिल जाती है। तो एक एक करके सभी ऐप्स को ओपन करते हैं प्ले स्टोर। तो यहाँ पे रेडमी नोट 9 में रिफ्रेश हुआ, लेकिन सैमसंग M21 में जैसे हमने छोड़ा था वैसे ही था। क्रोम दोनों के बैकग्राउंड में था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग M21 में जैसे हमने लीव करा था वैसे ही था। यहाँ पे जो पेज है रीलोड हुआ है रेडमी नोट 9 में, N22 एप्लीकेशन दोनों में रीलोड हुआ है। नेक्स्ट इज कैलकुलेटर, तो रेडमी नोट 9 में रिफ्रेश हुआ ऐसा लगा मेरे को, बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, लेकिन सैमसंग M21 में ऑलरेडी ओपन था। यूट्यूब सैमसंग M21 के बैकग्राउंड में था, लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 9 में जो यूट्यूब है ये रीलोड हुआ है। पबजी मोबाइल, तो यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग M21 के बैकग्राउंड में था, लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 9 में जो ऐप है दोबारा लॉन्च हो रहा है, तो बैकग्राउंड में डाल देते हैं वापस। नेक्स्ट इज सर्वे सर्वर, तो ये दोनों ही फोन्स में रिस्टार्ट हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जीमेल, तो यहाँ पे रेडमी नोट 9 में ऑलरेडी मेमोरी में था, लेकिन यहाँ पे सैमसंग M21 ने इसको रिफ्रेश करा है। कैलेंडर M21 के बैकग्राउंड में था, लेकिन यहाँ पे रीलोड हुआ है रेडमी नोट 9 में। फ्लिपकार्ट दोनों ने ही रीलोड करा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन सेम पेज पे आए हम जो हमने छोड़ा था। अमेज़न सैमसंग M21 में जहाँ हमने लीव करा था वहीं पे है, लेकिन यहाँ पे दोबारा रीलोड हुआ है रेडमी नोट 9 में। गूगल मैप्स दोनों में ही रीलोड हुआ है ये ऐप। सेटिंग्स सेम टाइम पे ओपन हुआ, मेरे को लगा कि बैकग्राउंड में था दोनों में ही। फाइल मैनेजर सैमसंग M21 में ऑलरेडी बैकग्राउंड में था, लेकिन रेडमी नोट 9 में रीलोड हुआ है। नेक्स्ट इज फेसबुक, दोनों के बैकग्राउंड में था। अब इन सभी को ओपन करते हैं। डायलर, तो यहाँ पे M21 ने ऑलरेडी ओपन था, लेकिन रेडमी नोट 9 में रिफ्रेश हुआ ये ऐप। मैसेजेस M21 में बैकग्राउंड में था, लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 9 में रिफ्रेश हुआ है। कैमरा ऐप, तो यहाँ पे देख सकते हैं M21 में बैकग्राउंड में था एंड रेडमी नोट 9 में रिफ्रेश हुआ है। तो जो रिव्यू टेस्ट का विनर था वो तो था रेडमी नोट 9, लेकिन और सभी ऐप्स के कंपेयर करें तो थोड़े बहुत ऐप रेडमी नोट 9 ने फास्ट लॉन्च करे हैं, लेकिन आपको बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को मिलती है सैमसंग M21 में। ये इस वजह से नहीं है कि इसमें 6GB रैम है, ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि इसमें आपको 1/2.5 देखने को मिलता है, जिसकी रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कंपेयर टू द MIUI। तो बेसिकली स्पीड टेस्ट का विनर कहें तो इसमें M21 विनर निकल के आता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको रैम मैनेजमेंट बेटर देखने को मिल जाती है। कुछ कुछ ऐप्स हैं वो मतलब लेट लॉन्च हुए हैं, लेकिन बैकग्राउंड में मेंटेन करके रखा है। तो बेसिकली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Yo,